सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं उनके ही अधीनस्थ। बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक स्वेटरों का टेंडर नहीं हुआ है, जबकि ठंड शुरू हो चुकी है। ऐसी स्थिति में बच्चे बिना स्वेटर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने पहुंच रहे हैं। पेश है साक्षी न्यूज की खास रिपोर्ट। योगी सरकार के अफसरान अपने ही मंत्री और अपने ही सीएम का आदेश नहीं मान रहे हैं, जिसका रियलिटी टेस्ट आज करने पर यह बात खुलकर सामने आई है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी समय पहले आदेश जारी किए गए थे कि परसदी और बेसिक स्कूलों में बच्चों को स्वेटर और मोजे वितरण किए जाएंगे। सर्दी से बचने के लिए सरकार ने यह फरमान जारी किया था और सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन फिरोजाबाद शहर की बात करें तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अभी तक स्वेटरों का टेंडर तक नहीं उठाया। अगर टेंडर नहीं उठा तो आखिरकार बच्चों को स्वेटर कब मिल पाएंगे? साफ तौर पर विभाग की लापरवाही खुलकर सामने आई है और इस चीज से कयास भी लगाए जा सकते हैं कि दिसंबर माह में नहीं बल्कि मार्च या अप्रैल में बंट पाएंगे फिरोजाबाद में स्कूली बच्चों को स्वेटर। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद। दिसंबर माह की शुरुआत हो गई है, लेकिन योगी सरकार के आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं हुआ। फिरोजाबाद के प्राथमिक स्कूलों की बात करें तो बच्चे आज भी स्कूली ड्रेस में ही स्कूल आ रहे हैं, जबकि सरकार ने इन बच्चों को स्वेटर, जूते, मोजे देने की घोषणा की, लेकिन लापरवाह सरकारी सिस्टम सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहा है और बच्चों को ठंड में ठिठुरने पर मजबूर कर रहा है। फिरोजाबाद से जितेंद्र शर्मा। सारी तैयारियां चल रही हैं। बीएसए साहब ने कह दिया है कि 15 दिसंबर तक सभी बच्चों को स्वेटर और जूते मोजे वितरित कर दिए जाएंगे। प्रक्रिया शुरुआत करने में थोड़ा तो टाइम लगता ही, अब जाड़े शुरू हुए हैं तो सब बच्चों को 15 दिसंबर तक उम्मीद है कि मिल जाएंगे। हमें लगता है शासन से जल्द ही हमको स्वेटर और जूते मोजे प्राप्त हो जाएंगे, जैसे ही प्राप्त होते हैं बच्चों को जल्द से जल्द वितरित कर दिए जाएंगे। सर्दी शुरू हो गई है, दस का कुछ। हाँ, सर्दी शुरू हुई है तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी तो लग ही सकती है, लेकिन हालांकि बच्चे खुद से भी पहन करके आ रहे हैं, लेकिन शासन से मिल जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, तुम्हें यहाँ से स्वेटर और जूते मोजे मिले क्या? नहीं नहीं मिले। अच्छा, मौसम ठंडा हो गया, सर्दी लगती है? हाँ। अच्छा, नहीं मिले। सर्दी कैसी लग रही है? ज्यादा नहीं है अभी, मगर पड़ेगी ना। हाँ। तो जरूरत है स्वेटर की? हाँ हाँ। शासन का आदेश है, हमारे अधिकारियों का आदेश है कि जल्द से जल्द 10 या 15 तारीख तक सभी बच्चों के लिए स्वेटर योगी सरकार के आदेश के बाद सरकारी मशीनरी उस आदेश में पलीता लगाने का काम कर रही है। फिरोजाबाद में बात करें तो अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, दिसंबर का महीना है और पहला सप्ताह भी बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चों को स्वेटर, मोजे, जूते तक नहीं मिले। जी, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, बताओ क्या आपको स्वेटर और जूते मोजे मिले? नहीं, और सर्दी चालू हो गई है और जूते मोजे चाहिए, बच्चों को ठंड लगती है और छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं और तो सर्दी लगती है। हाँ जी। आपको स्वेटर? नहीं। तो क्या उम्मीद है मिलेगा? पता नहीं। सर्दी कैसी पड़ रही है, लग रही है, सर्दी लगती है? यस जी। तुम बताओ, तुम्हें स्वेटर मिला?
अभी नहीं, अभी तो नहीं मिला। कब तक मिलेगा कुछ मालूम? पता नहीं। मौसम कैसा हो रहा है? मौसम अभी बहुत ठंडा है, इसलिए अभी घर से तैर के आते हैं। अभी मिला नहीं है, पर आगे पता नहीं मिलेगा। अभी तो सर्दी बहुत पड़ रही है और ठंडी बहुत है, पता नहीं स्वेटर मिल सकता है। बच्चों को साफ तौर पे कहना है कि सर्दी का मौसम है और ठंड में बच्चे सिकुड़ रहे हैं, लेकिन स्वेटर कम मिले।